हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ टीम सोवेना। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाला है पर्थ स्कॉर्चर्स वर्सेस हर्बर्ट हरिकेन्स का मैच, जो कि बीबीएल में मैच नंबर 15 के रूप में खेला जाने वाला है। क्या कुछ दोनों टीम से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, लाइनअप सेंड है, उसके बारे में हम बात और डिस्कस करना है इस वीडियो में। साथ ही साथ इन डेप्थ एनालिसिस कर कौन से प्लेयर का क्या रोल लेने वाला है, उसके बारे में हम बात और चर्चा करने वाले हैं। एंड तक आपको ये वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको पसंद आता तो एक लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, जिसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर वो काम और वर्क नहीं करता तो मैं आपको एक अनदर और एक ईजिएस्ट मेथड बता देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले तो टेलीग्राम का ऐप ओपन करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। देन सेकेंड स्टेप है, सर्च बार आइकन पे क्लिक करना है आपको। फिर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है टीम्स फॉर्मिन अंडरस्कोर आलोक। जैसे आप ऐसे सर्च करोगे, आपको वहाँ पर क्लिक करना है टॉप रिजल्ट जो आएगा ग्लोबल सर्च पे। देन आपको उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। बहुत से लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, जल्दी जल्दी जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। हम लोग डेली फ्री टीम्स देते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, और अभी तो कबड्डी भी स्टार्ट हो रहा है 2 दिन में। सो सारी टीम्स और सारे स्पोर्ट्स के मैचेस बिल्कुल ही फ्री में आती है, सो जल्दी जल्दी जाके जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, वापस बात कर लेते हैं हमारे बीबीएल के वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्थ स्कॉर्चर्स वर्सेस हर्बर्ट हरिकेन्स के बीच। तो फ्रेंड्स, अगर हम मैच डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये पर्थ वर्सेस हर्बर्ट का 15th मैच है इस बीबीएल में। इस बीबीएल में नहीं, ओवरऑल और टोटल बीबीएल की बात कर रहा हूँ ये सीज़न का। वेन्यू में होगा ये पर्थ में ही, सो पर्थ का होम ग्राउंड और एक अच्छा खासा हमें एक पिच देखने को मिलेगा। डेट होगा 20 दिसंबर, जो कि आज, और टाइम होगा 1:45 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। देन आगे बात करूँ तो पिच रिपोर्ट, तो पिच रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा ईजी है एक आपको जो समझना है, सो आप वो देख सकते हो, समझ सकते हो। तो बैटर्स माइट एन्जॉय सम गुड टाइम ऑन दिस पिच, तो बैटर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा हमें पिच देखने को मिलने वाला है। फास्ट बॉलर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ गुड असिस्टेंस फ्रॉम दिस डेक, तो फास्ट बॉलर को भी एक अच्छा खासा हेल्प देखने को मिल सकता है। लेकिन बल्लेबाजों को यहाँ पर जो है ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलते हुए देख सकता है, और जो पेसर्स हैं उन्हें, सो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना। पर्थ हमेशा से ही बल्लेबाजों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, स्पेशली मिचेल मार्श जैसे जो प्लेयर हैं, उनको तो इस मैदान पर बल्लेबाजी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। आगे अगर हम हेड टू हेड के बारे में बात करें तो ओवरऑल 16 मैचेस खेले पर्थ और हर्बर्ट ने, जिसमें से पर्थ ने जीते 10 और हर्बर्ट ने जीते सिर्फ 6। सो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पर्थ का जो पकड़ भारी है, और आज भी मुझे लगता है कि पर्थ ही यहाँ पर मैच जीतेगी। उसके भी कुछ रीज़न है, सबसे ईजिएस्ट और सबसे मेन रीज़न है कि इनका पर्थ का जो होम ग्राउंड है, और इस होम ग्राउंड पर आने के बाद ये जो प्लेयर्स है बहुत शेरों की तरह खेलते हैं। सो ये हमें कुछ देखने मिल सकता है। आगे होगा 17, पर्थ होगा 11 और ये होगा 6। ये मेरा जस्ट अब प्रेडिक्शन है, चेंजेस भी हो सकते हैं, आफ्टर ऑल इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। सो आगे अगर मैं बात करूँ तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करूँगा। अगर आप देखेंगे पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम से बात करें तो कर्टिस पैटरसन और कॉलिन मनरो हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने अभी तक ओपन कर किया है इस सीज़न में। और कॉलिन मनरो जो है अभी तक इस सीज़न के हाईएस्ट रन स्कोरर है, एक शतक भी जड़ा था इन्होंने, और फॉर पर्थ। हाँ फ्रेंड्स, नॉट ओवरऑल मैचल मार्च आएंगे वन डाउन पर, जॉस इंग्लिश आएंगे। जॉस इंग्लिश अब मेनली यहाँ पर खेलते नहीं है, लेकिन हो सकता है आज ओपन कर दो हमको नज़र आ जाए, क्योंकि कर्टिस पैटरसन जो अभी तक इन्होंने सिर्फ 1 या 2 मैचेस में परफॉर्मेंस दिया, वो भी एक मैच में अच्छा, सेकंड मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया था। सो हो सकता है जॉस इंग्लिश हमें ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, क्योंकि ऊपर आते हैं तब तब जब जब ऊपर है, जॉस ने बहुत ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करी हुई है। जिनके एस्टन टर्नर, एल एवांस, एस्टन एगर, एंड्रू टायर, जेसन बैरनडॉर्फ, पीटर होजेग्लू और टाइमर मिल्स। जय रिचर्डसन तो खेल रहे यहाँ पर एशेस, तो उनका तो खेलने का मौका बनता ही नहीं है, लेकिन ये इनकी जो लेवल है मुझे अच्छी खासी नज़र आ रही है। आगे अगर मैं बात करूँ हर्बर्ट के बारे में तो मैथ्यू वेड और डियासी शॉट हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों ही प्लेयर। और फिर आएंगे सी ज्वेल, सेलेब जेल, बेन मैकडरमॉट, हैरी ब्रुक्स, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छे लगते हैं, इनके जो एवरेज है बहुत ज़्यादा अच्छा देता है, ये कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस करना जानते हैं।
पीटर हैंडसकॉम जो कि बहुत ज़्यादा नीचे आ गए टीम डेविड, नेथन एलिस जो कि विकेट टेकर इस पोलैंड, संदीप लेमेचने और जोल पैरिस। जोल पैरिस का बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ना ही कुछ अपडेट है। लास्ट मैच में इन्होंने कुछ 8 या 9 बॉल ही डाले थे इनकी, फिर उसके बाद बाहर चले गए थे, उन्होंने कुछ खेले नहीं थे उसके बाद के मैचेस, पता नहीं क्यों क्या हो गया था, बट ठीक है अब हो सकता है कि अच्छा खासा टाइम मिला है, ब्रेक मिला है, तो हो सकता है कवर अप और कम बैक कर जाए। सो ये कुछ नहीं, दोनों टीम से प्लेयर्स चार्ज, नॉट प्लेयर्स चार्ज, प्रोबेबल प्लेइंग 11, मैं आशा करता हूँ कि यही रहेगी, और अगर इसके अंदर कुछ भी चेंजेस हो जाता है तो हम लोग जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे। आगे अगर मैं बात करूँ तो प्लेयर्स चार्ज इन्फॉर्मेशन के बारे में बात किया जाएगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस वीडियो का, और यहाँ से आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारी प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन आपको इन तक यहाँ पर ही मिलने वाली है। आगे अगर मैं बात करूँ पर्च कॉचेस और के स्टार्ट के बारे में, सो कर्टिस पैटरसन जो कि लेफ्ट हैंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, ओवरऑल 33 मैचेस के लिए 549 रन स्कोर किया, 21 का एवरेज है, 115 का स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा नहीं है, एवरेज भी ठीक ठाक है। वेन्यू में 7 मैच है 107 रन, 17 का एवरेज है, हेड टू हेड में वेन्यू में 4 मैचेस में 74 रन, 34-37 का एवरेज है, रिसेंटली लास्ट मैच में 55 रन की पारी खेली है। ये देखना होगा कैसा खेलते हैं, इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। देन कॉलिन मनरो जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, फ्रेंड्स एक बात बता दूं मैं, मुझे जो लग रहा है कि आज होपफुली हो सकता है जॉश इंग्लिश हमें कर्टिस पैटरसन के ऊपर खेलते हुए नजर आ जाए और कर्टिस पैटरसन नीचे मिडल ऑर्डर में, क्योंकि दोनों ही लेफ्टी लेफ्टी कॉम्बिनेशन है, अगर जॉश आ जाता है तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर मनरो और जॉश का देखने मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है यहाँ पर। देन आएंगे कॉलिन मनरो, 310 मैचेस खेले, 7718 रन है, 142 का स्ट्राइक रेट है, 30 का एवरेज और 30 विकेट है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। हेड टू हेड में 2 मैच में 5 रन, वेन्यू में 4 मैचेस में 154 रन, 39 का एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट अगर आप देखोगे तो लास्ट के जो 3 मैचेस हैं उसमें से एक मैच जो है बीच के बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसके अंदर 114 रन स्कोर किए हुए इन्होंने, इंपॉर्टेंट प्लेयर है बहुत ज़्यादा, और देखना होगा कैसा प्रदर्शन ये दे पाते हैं। लास्ट मैच में जरूर डक पे गए थे, लेकिन अब कैसा रहता है इनका परफॉर्मेंस वो देखने लायक होगा। मिचेल मार्श राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये, और बॉलिंग भी कर लेते हैं पार्ट टाइमिंग, और पार्ट टाइमिंग नहीं ऐसे तो करते ही, लेकिन विकेट भी ले लेते हैं। 130 मैचेस खेले टोटल, 2995 रन स्कोर किए, 129 का स्ट्राइक रेट है, 34 का इनका एवरेज, 61 विकेट से इनके 8.28 की इकोनॉमी रेट है। हेड टू हेड में अगर आप देखोगे तो 9 मैचेस में 303 रन है, 43 का एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट और 2 विकेट है। वेन्यू में 16 मैचेस में 63 रन से 40 का एवरेज है, 156 का स्ट्राइक रेट, 5 विकेट है और 10 की इकोनॉमी रेट है। रिसेंट देखोगे तो बहुत ज़्यादा तगड़ा फॉर्म चल रहा है, 60 रन, 33 रन, 1 विकेट, 100 रन जो कि लास्ट मैच में इन्होंने बनाए थे। ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फ्रॉम दिस साइड, और आप इन्हें ज़रूर आपकी टीम में रख सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन टू। जॉश इंग्लिश राइट हैंडेड बैट्समैन, इंपॉर्टेंट प्लेयर, आप इन्हें जेल में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जरूर दे सकते हो, विकेट कीपिंग करते हुए उनको नजर आएंगे और इंपॉर्टेंट प्लेयर ये रहने वाले हैं। 64 मैचेस में 1647 रन से 151 का स्ट्राइक रेट है इनका, 32 का एवरेज है, हेड टू हेड में 5 मैचेस में 143 रन से 36 का एवरेज है, वेन्यू में 13 मैचेस में 319 रन, 29 का एवरेज है। रीसेंट अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 मैचेस जो खेले उसमें भी बहुत ज़्यादा खराब प्रदर्शन है, और एक ही रीज़न है जो इन्हें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कराई जा रही है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, वो एक रीज़न मुझे नज़र आ रहा है, और एल्स इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, ज़रूर कुछ नॉकेज कर सकते हैं। एशन टर्नर जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग कभी कभार कर लेते हैं और विकेट भी ले जाते हैं, ओवरऑल 116 मैचेस इन्होंने खेले हुए, 1518 रन स्कोर किए, 131 का स्ट्राइक रेट है, 20 का एवरेज है, 17 का विकेट्स लिए अभी तक, हेड टू में 12 मैचेस में 154 रन है, 20 का एवरेज है, 127 का स्ट्राइक रेट है, वेन्यू में 17 मैचेस में 341 रन है, 26 का एवरेज है, 133 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट अगर आप देखोगे या तो बॉलिंग से या तो बल्लेबाजी से रन स्कोर करके दिए हुए कप्तानी टीम के कैचेस भी पकड़ लेते हैं अच्छे खासे, वहाँ से रन आपको निकाल के दे सकते हैं। एल एवांस की अगर बात करें तो 186 मैच में 4407 रन है, 134 का इनका स्ट्राइक रेट है, 34 का एवरेज दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये भी इनका एक रीज़न मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, सो हो सकता है परफॉर्मेंस लो जाते हो हमें नजर आए। टोट में एक मैच में 40 है, वेन्यू में एक मैच में 33, रिसेंट देखोगे तो बीच के एक मैच में 0 रन बने और 33 रन और 40 रन की पारी इन्होंने यहाँ पर खेली, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है बहुत ज़्यादा। एस्टन एगर 111 मैचेस के लिए 978 रन है इनके, 113 का स्ट्राइक रेट है, 92 विकेट्स है, 7.24 की इकोनॉमी रेट है, इज अ टाइप ऑफ रविंद्र जडेजा प्लेयर, लेकिन जडेजा जैसे एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है। हेड टू हेड में 7 मैचेस में 75 रन है,
दस विकेट्स हैं, वेन्यू में 8 मैच में 6 विकेट है। रिसेंट अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक गया, हर मैच में विकेट फिलहाल निकालते हुए हमें नज़र आए हैं। फिर आगे बात करूँ तो एंड्रू टाच जो कि विकेट टेकर एक बॉलर है, 168 मैचेस खेले हैं, 468 रन हैं, 233 विकेट्स हैं इनके, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। T20 बहुत खेलते हैं, भरपूर खेलते हैं एकदम। हेड टू हेड में 8-9 मैच में 8 विकेट्स हैं, वेन्यू में 12 मैच में 19। रिसेंट देखोगे तो बहुत रेगुलरली इन्होंने विकेट निकाले यहाँ पर, और इंपॉर्टेंटली यहाँ पर रेगुलर स्टेजेस पर विकेट निकालते रहे हैं। लेखोगे 2 विकेट 3 विकेट और 2 विकेट, सो लास्ट के 3 मैच में 7 विकेट इन्होंने यहाँ पर चटकाए हैं। जैसन वेरनरॉफ 83 मैच में 95 विकेट्स है, हेड टू में 9 मैच में 5-8 विकेट है, वेन्यू में 10-5 में 10। रिसेंट देखोगे तो ये भी विकेट हर मैच में कम से कम निकालते ही आया है। पीटर के बारे में बात करूँ तो 16 मैच में 20 विकेट्स है, हेड टू में 3 मैच में 2, वेन्यू में 2 मैच में 1, और रिसेंटली इन्होंने भी हर मैच में विकेट निकाला है। टाइमर मिल्स कर बात करूँ तो लास्ट मैच में इन्होंने अपना BBL स्टार्ट की थी सीज़न की, ओवरऑल 147 मैचेस के लिए 1966 विकेट्स है, हेडटोड में 10 मैच में 8 विकेट है, वेन्यू में कुछ खास नहीं, और रिसेंट देखूंगी तो 3 विकेट इन्होंने यहाँ पर निकाले हैं। सो फ्रेंड्स ये कुछ हमें देखने को मिल रहा है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमें नज़र आए हैं एयरपर्ट्स कॉचर्स की टीम साइड से। अगर हम बात करें हॉबर्ट हरिकेन्स के बारे में तो वो भी आप देख सकते हैं। आती हुए जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ओवरऑल 159 मैचेस के लिए 3134 रन है, 34 का स्ट्राइक रेट है इनका, 27 का एवरेज है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले, आप जरूर इन्हें भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। हेड टू हेड में 11 मैचेस में 286 रन है, 28 का एवरेज है, 37 का स्ट्राइक रेट है। जिस दिन ये खेलता बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलता हमने देखा था, जिन्होंने जब इन्होंने ये 93 रन की पारी खेली थी। वेन्यू में 2 मैचेस में 78 रन से 155 का स्ट्राइक रेट है, रिसेंटली को भी 4 रन 93 रन और 20 रन ऐसा इन्होंने आपको निकाला है। वही हम आगे बात करें डार्सी शॉट, जो कि बॉलिंग भी कर रहे हैं रेगुलरली, लेकिन पता नहीं विकेट ले नहीं पा रहे हैं। ओवरऑल 123 मैचेस के लिए 3946 रन स्कोर किए इन्होंने, 133 का स्ट्राइक रेट है, 36 का एवरेज है, 8 मैचेस में 325 रन, 36 का एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट मैच में शायद बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन बॉलिंग करते और विकेट भी चटकाते हैं। वेन्यू में 4 मैच में 189 रन से 63 का एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट देखोगे तो अच्छा सा गया इनका अभी तक का पूरा BBL का करियर, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये सीजन भी बहुत ज़्यादा जबरदस्त तगड़ा जा रहा है। देन फ्रेंड्स आगे अगर बात करें तो सेलेस ज्वेल्स की बात करेंगे, जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ये भी है, ओवरऑल 24 मैच में 414 रन है, 121 का स्ट्राइक रेट है, 20 का एवरेज है, 4 मैच में 87 रन है, 21 का एवरेज है, 117 का स्ट्राइक रेट है, वेन्यू में 2 मैच में 57 रन, 28 का एवरेज है। रिसेंट देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, लास्ट का मैच सिर्फ एक खराब गया था। बेन मैकडरमॉट इंपॉर्टेंट प्लेयर, राइट हैंडेड बैट्समैन है, मैं पर्सनली इन्हें वन डाउन पे देखना चाहता हूँ, अगर इस पोजीशन पे आते तो मुझे लगता है ये वेस्ट है। ओवरऑल 79 मैच में 1767 रन है, 128 का स्ट्राइक रेट है, 30 का एवरेज है, हेड टू हेड में 10 मैच में 168 रन, 21 का एवरेज है, वेन्यू में 6 मैचेस में 127 रन है, 42 का एवरेज है, और रिसेंट अगर आप देखोगे तो लास्ट मैच में 41 रन की पारी खेली थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्लेयर रहने वाले हैं। हैरी ब्रुक जो कि लास्ट मैच में खेले थे लेकिन ज़्यादा मौका ही नहीं मिला, ओवरऑल 44 मैचेस में 1232 रन है, 148 का स्ट्राइक रेट है, 38 का एवरेज और 1 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट है, वेन्यू में कुछ खास है नहीं, रिसेंट देखूंगी तो 1 रन आपको नज़र आ रहा है। पीटर हैंस्कॉम ये भी अगर इस पोजीशन में खेलते तो ज़्यादा अच्छे मुझे नज़र नहीं आते, बहुत ज़्यादा नीचे आ रहे। फिर ओवरऑल 100 मैचेस खेले 1576 रन स्कोर किए, 120 का स्ट्राइक रेट है, 24 का एवरेज है, हेड टू हेड में 13 मैच में 211 रन है, 26 का एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट है, वेन्यू में 3 मैच में 45 रन, 15 का एवरेज है, और रिसेंट अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है, सिर्फ फर्स्ट 5 में इन्होंने 47 रन की पारी खेली थी, उसके बाद फ्लॉप ही रहे थे। टीम डेविड इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि हार्ड हिटर बल्लेबाज, अब ये भी अगर इतना नीचे आ गया तो क्या ही फायदा होगा इनका, 66 मैचेस में 1490 रन है, 153 का स्ट्राइक रेट है, 34 का एवरेज है, 6 विकेट्स है, हेड टू में 3 मैचेस में 75 रन है, 37 का एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट है, वेन्यू में 6 मैचेस में 54 रन, 18 का एवरेज है। रिसेंट देखोगे तो अच्छा खासा बॉलिंग हर मैच में लगभग की है, और 1 विकेट फर्स्ट मैच में चटका तो उसके बाद विकेट जरूर नहीं मिला है। नैथन एलिस 39 मैचेस में 44 विकेट, विकेट टेक कर रही है, हेड टू में 5 मैच में 9 विकेट है, वेन्यू में 3 मैच में 2। रिसेंट देखोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ विकेट इन्होंने यहाँ पर निकाले हैं। स्कॉट बोलन 61 मैचेस में 74 विकेट्स है, हेड टू में 12 मैचेस में 9, वेन्यू में 3 मैचेस में 3, रिसेंट देखोगे तो 1 विकेट है। संदीप लमिचर है 110 मैचेस में 164 विकेट्स है, 6.65 की इकोनॉमी रेट है, हेड टू में 5 मैच में 6 विकेट, वेन्यू में 3 मैच में 3 विकेट, और रिसेंट देखोगे तो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। सेकेंड इनिंग बॉलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लेयर रहने वाला है।
रोहल पेरेज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, 27 मैचेस में 25 विकेट है, हैट्रिक में एक मैच में, एक विनिंग में 3 मैच में, रिसेंट देखोगे तो अच्छा खासा है। ये कुछ फर्स्ट कोचेस टीम से हमें प्लेयर्स तक इन्फॉर्मेशन नजर आए। अब हम बात कर लेते हैं प्लेयर मैचअप्स के बारे में, बैटल्स के बारे में। सो अगर हम कर्टिस पैटरसन के बारे में बात करें तो वर्सेज एलिस, अगर आप देखोगे तो कर्टिस पैटरसन वर्सेज एलिस एक बॉल हुआ और एक विकेट पहली बॉल पर मिला है यहाँ पर एलिस को। बोलेंड और पैटरसन को देखेंगे तो 4 बॉल में 1 रन और 1 विकेट है। संदीप वर्सेज पैटरसन 2 बॉल में 2 रन है। सो पैटरसन यहाँ पर हमें स्ट्रगल करते हुए भी नजर आ रहा है। सो मुझे होपफुली देखने मिल सकता है या हम सबको देखने मिल सकता है कि जॉस इंग्लिश इनकी जगह पे खेलते हुए नजर आए ऊपर। मिचेल मार्श और एलिस के बारे में अगर हम बात करें तो 23 बॉल्स में 34 रन स्कोर किए, 0 विकेट, 148 के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर किए हुए हैं। बोलैंड वर्सेज मार्च देखेंगे तो 37 बॉल्स में 57 रन से 0 विकेट से 157 का स्ट्राइक रेट है। संदीप वर्सेज यहाँ पर मार्च देखेंगे 26 गेंद में 27 रन और 1 विकेट है, 103 का स्ट्राइक रेट है। सो संदीप ने यहाँ पर जरूर मिचेल को यहाँ पर थोड़ा सा परेशान किया, विकेट भी चटकाया है, वरना मार्च तो यहाँ पर अनस्टॉपेबल नजर आ रहे थे। कोलिन मंद्रू एलिस वर्सेज मंद्रू 1 बॉल में 0 रन 1 विकेट है। बॉलेंड वर्सेज मंद्रू 6 बॉल में 7 रन 0 विकेट है। संदीप वर्सेज मंद्रू देखे कि 32 बॉल में 26 रन और 2 विकेट है, 81 का स्ट्राइक रेट है। इंग्लिश वर्सेज एलिस देखे कि 16 बॉल में 26 रन 1 विकेट है। बोलेंड वर्सेज एलिस देखे 20 बॉल में 32 रन 0 विकेट है। संदीप वर्सेज एलिस 10 बॉल में 10 रन और 1 विकेट है। संदीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। वेड के बारे में बात करें तो वेड वर्सेज मिल 4 बॉल में 6 रन 0 विकेट। वेड वर्सेज बैरनडॉर्फ 22 बॉल में 18 रन 2 विकेट वर्सेज टाय 8 रन 6 बॉल में 1 विकेट, ऐसा हमें नज़र आ रहा है। शॉट के बारे में बात करें डेयाशी शॉट वर्सेज मिल तो 16 बॉल में 20 रन 0 विकेट। बैरनडॉर्फ वर्सेज शॉट 34 बॉल में 32 रन 1 विकेट है, 94 का स्ट्राइक रेट है। ज़रूर यहाँ पर स्ट्रगल भी किया इन्होंने। और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं बैरनडॉर्फ, एंड्रू टाय और संदीप लामिश्रे फ्रॉम द बॉलिंग साइड। टाय वर्सेज शॉट देखेंगे तो 32 बॉल में 35 रन से 1 विकेट है। अगर वर्सेज शॉट देखेंगे तो 28 बॉल में 28 रन और 2 विकेट है। बेन मैकडरमॉट वर्सेज में देखेंगे 7 बॉल में 10 रन है, 1 विकेट है, 143 का स्ट्राइक रेट है। बैरनडॉर्फ वर्सेज मैकडरमॉट 10 बॉल में 5 रन। टाय वर्सेज मैकडरमॉट 8 बॉल में 17, मैकडरमॉट माफ़ कीजिएगा 17 रन है। अगर वर्सेज आप विक्टर मॉड देखोगे तो 16 बॉल में 12 रन और 2 विकेट है। हैंडस्कॉम के बारे में बात करें तो मिल्स वर्सेज हैंडस्कॉम 7 बॉल हुए अभी तक, 10 रन स्कोर किए, हैंडस्कॉम ने 1 विकेट दिया है। बैरनडॉर्फ का देखेंगे 24 बॉल में 34 रन 0 विकेट। टाय वर्सेज हैंडस्कॉम 36 बॉल में 46 रन 3 विकेट है। अगर वर्सेज हैंडस्कॉम देखेंगे तो 12 बॉल में 15 रन 0 विकेट्स है। डेविड के बारे में बात करें तो बैरनडॉर्फ वर्सेज डेविड 1 बॉल में 1 रन। टाय वर्सेज डेविड 12 बॉल में 20 रन 1 विकेट और अगर वर्सेज डेविड 3 बॉल में 2 रन 0 विकेट है। सो फ्रेंड्स ये कुछ थी हमारी प्लेयर सच इन्फॉर्मेशन, मैच प्लेयर और मैच बैटल माफ़ कीजिएगा प्लेयर मैचअप्स। देन हमने ऊपर बात किया प्रोबेबल प्लेइंग 11 ओवर इलेक्ट्रेट के बारे में बात किया और फिर बात किया हमने पिच रिपोर्ट मैच डिटेल्स। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपने अभी तक एक लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए। सीरियसली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, पहले से आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा काम हमें नज़र आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल और टेम्प्रेरी के लिए कुछ ऐसी हमारी टीम बनी है। विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने लिया मैथ्यू वेड को, बैटिंग सेक्शन से लिया कॉलिन मंद्रू, के पैटरसन और सी ज्वेल्स को, ऑलराउंडर सेक्शन से लिया ए हार्डी, अगर आप चाहो तो एशन एगर को ले सकते हो जिनका 0.5 क्रेडिट ज़्यादा है। आशीष शॉट को लिया है, मिचेल मार्श को लिया हुआ है। बॉलिंग सेक्शन से लिया जेसन बैंड्रॉफ, एंड्रू टाय, संदीप लामिश्रे एंड एलिस को। कैप्टन से आप देख सकते हो यूनिवर्सल कैप्टन मिचेल मार्श, वाइस कैप्टन आशीष शॉट ने दिया। अगर आप चाहो तो आप मैथ्यू वेड को आप कुछ ना कुछ बना सकते हो और इस एंड्रू टाय का एक अच्छा ऑप्शन आपको नजर आएगा। ये कुछ हमारी टीम है फिलहाल और टेम्प्रेरी की। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पूरा पसंद आया होगा, आपने अभी तक एक लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर दीजिए जिससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच एंड नाइस डे गाइस। फाइनल टीम ऑन अ टेलीग्राम चैनल।